नमस्कार, आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज लाइव टीवी। मानस भवन में आज स्वर्गीय श्री गिरधर शर्मा जी की सातवीं पुण्यतिथि स्मृति के अवसर पर मानस भवन निर्माण एवं संचालन सेवा समिति गुना के सहयोग से निशुल्क आंखों की जांच एवं मोतियाबिंद परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में मरीजों ने पहुंचकर अपनी आंखों की जांच कराई। हमें मानस भवन में आपको बता दूं कि लायंस क्लब द्वारा एक नेत्र शिविर का आयोजन किया जा रहा है। ये नेत्र शिविर हमारे मुरारी शर्मा जी हैं, जिनके भाई की स्मृति में ये लगाया जा रहा है। आइए बताइए किस तरह आज आप जो स्मृति में लायंस क्लब द्वारा जो नेत्र शिविर लगाया गया है, तो आपके क्या उद्देश्य है? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस, हालांकि यह आयोजन बहुत छोटा सा था लेकिन महत्वपूर्ण इसलिए था कि ये एक जनसेवा का कार्यक्रम था। मेरा छोटा भाई जो मुझसे छोटा था बैंक में काम करते थे, वो सेवानिवृत्त अधिकारी थे और वो असमय समझ लें अपन बीमारी की वजह से उनका निधन हो गया था। हम प्रत्येक वर्ष जब भी उनकी पुण्यतिथि होती है तो लॉयन क्लब के माध्यम से ये कैंप लगाते हैं। आज बहुत सारे लोगों ने इस सुविधा का लाभ उठाया है और हमने इसके साथ साथ एक शासकीय पेंशनर्स एसोसिएशन जो गुना की है, जिसमें वो सक्रिय भागीदारी करता था, गिरधर मैं भी करता हूँ जिसमें भागीदारी, उन लोगों के लिए पेंशनर्स की सुविधा के लिए एक छोटा सा प्रपत्र तैयार कराया है। ये वो प्रपत्र की कॉपी है कि सेवानिवृत्त होने के बाद किसी भी व्यक्ति को जो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है व्यवहारिक रूप से बैंक एवं अन्य क्षेत्रों में, उनको इससे सुविधा मिल सके, परिवार के लोगों को मदद मिल सके उनके जाने के बाद, वह एक उद्देश्य था। लायंस क्लब गुना ने जो गुना में अस्पताल स्थापित किया है, ये मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि मैंने जनसेवा के बहुत सारे प्रकोष्ठ देखे हैं, ये अपने आप में एक अनुकरणीय उदाहरण है कि पूरी सुविधा से युक्त एक नेत्र चिकित्सालय गुना में स्थापित है, जहाँ सारी चीज़ें लगभग मुफ्त में या लोगों के माध्यम से जो किया जाता है, जैसे कि मैंने छोटा सा योगदान आज अपने परिवार की तरफ से दिया है, ये मुफ्त सुविधा उपलब्ध है। साथ साथ उन्होंने, मैं आज बताना चाहूँगा, एक उपकरण बैंक भी बनाया है जिसमें हम लोगों ने भागीदारी दी है, जहाँ आपके घर में अगर कोई बीमार है तो आप जो पलंग होता है, जो बीमार आदमी के लिए पलंग होता है, वो व्हील चेयर, ऑक्सीजन सिलेंडर एवं अन्य संयंत्र जो बहुत मुश्किल से मिलते हैं, आदमी को बहुत महंगे होते हैं, वो वहाँ से ले जा सकता है और उनका उपयोग करके वहाँ मुफ्त में वापस भी कर सकता है। आपने आज इस चैनल के माध्यम से आज जो ये जो बीड़ा उठाया हम सबसे बात करने का, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। और हम अपने बच्चों के जन्मदिन पर भी हमारी ये कोशिश रहती है कि हम समाज ने जो हमें दिया है वो किसी न किसी माध्यम से वापस कर सकें। इसी क्रम में हम वस्त्रों का वितरण, कम्बल का वितरण, हमने पिछले बार हमारी पेंशनर एसोसिएशन ने शासकीय चिकित्सालय को लगभग 60-70 कम्बल दिए थे। उद्देश्य यही है कि हम अपने आदमी होने का जो कर्तव्य है वो निभाएँ, इतनी सी बात है। ये देखिए, आप बता दूँ कि एक तो नेत्रदान सबसे बड़ा दान होता है और आज नेत्र शिविर यहाँ पर लगाया गया है, जो देख नहीं सकते या जिनकी आँखें कमज़ोर हो गई हैं वो इस शिविर के माध्यम से अपने इलाज कराएंगे और इस खूबसूरत जीवन को देख सकेंगे। हमारे साथ राजीव जी, उनके बारे में आप थोड़ा सा बताइए जिनकी स्मृति में आज ये शिविर लगाया गया। मुरारी भाई साहब ने शिविर के बारे में बता दिया है, जहाँ तक मैं उनको जानता हूँ मेरे पड़ोसी रहे हैं, मेरे अच्छे मित्र रहे हुए हैं और हमारे सिसोदिया काली में जो पार्क है, अभी जो अद्वितीय पार्क जैसे कहा जाता है, वो पूरा उनकी देन है। दिन रात मेहनत करके उन्होंने पेड़ पौधों का पालन करके, जैसे बच्चे रहते हैं उनके ऐसा पालन करके अपने पार्क को लगाया है। पार्क ही क्या, उन्होंने बहुत सारे काम अपने जीवन में किए हुए हैं। बैंक में रहते हुए उन्होंने लोगों की मदद की है, कई लोगों के पास फीस नहीं रहती थी तो उनकी फीस भी भरते थे वो, तो अपनी धुन के पक्के थे, जिस काम में वो लग जाते थे वो काम को पूरा करके रहते थे और सभी के प्रति उनका अच्छा योगदान रहा है, सभी से अच्छा सहयोग रहता था, जो भी उनके पास आता था उसकी मदद करते थे। ऐसे इंसान को आज हम याद कर रहे हैं उनकी पुण्यतिथि पे और आप सबके भी हम आभारी हैं, आपने आके ये हमारा इंटरव्यू लिया और लायंस क्लब के भी हम आभारी हैं, उन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित करवाया, धन्यवाद। आज हमारे साथ लायंस क्लब के कैंप मैनेजर हैं। लगातार आप देख रहे हैं कि नेत्र शिविर लायंस क्लब द्वारा जहाँ भी लगाया जाता है और ये वहाँ पर उस पूरे कैंप को मैनेज करते हैं। आज जो आपने कैंप लगाया है, किस तरह का यहाँ पर लोग आ रहे हैं, बच्चे भी सुना है कि बच्चों के नेत्र
की जांच भी यहां पर हो रही है। लायंस नेत्र चिकित्सालय गुना के माध्यम से आज ये निःशुल्क नेत्र शिविर स्वर्गीय श्री गिरिराज शर्मा जी की सातवीं पुण्य स्मृति में एवं मानस भवन निर्माण संचालन सेवा समिति गुना के सहयोग से ये निःशुल्क नेत्र शिविर आज यहाँ रखा गया था। इसके माध्यम से अभी करीबन 128 लोगों को यहाँ आँखों की जाँच का पंजीयन हुआ है। इसके अंतर्गत करीबन 17 से 18 के करीब मोतियाबंद के जो मरीज चिन्हित किए गए हैं, जिनका कि लायंस नेत्र चिकित्सालय गुना में आज निःशुल्क ऑपरेशन हुआ। इनका लाना ले जाना, खिलाना, आना जाना, रुकना, दवाइयाँ, लेंस, ये सारी व्यवस्थाएँ लायंस क्लब के माध्यम से निःशुल्क रहेंगी। समय समय पर इस तरह के कैंप अपने गुना में और दूरस्थ गुना, अशोकनगढ़, राजगढ़, शिवपुरी, इन क्षेत्रों में लगते रहते हैं। अभी जहाँ सुना है कि बच्चों के भी स्कूली बच्चे कुछ आए जाने ऐसे हैं जिनकी आँखों में कुछ समस्याएँ आ रही हैं, उनको पढ़ने लिखने में दिक्कत आती है, तो उनकी आँखों की जाँच भी होगी और उनके बाद उनका चश्मा का नंबर कितना निकलता है उसके लिए उनको लायंस हॉस्पिटल के लिए आगे का बताया जाएगा, जहाँ की उनका उचित जाँच होकर चश्मा बन सके। मिलेगी आपको आपके मोबाइल पर, तो देखते रहिए अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी, अपनों के साथ सबसे पहले सबसे सटीक।